यह मेरी होने वाली बीवी, ये तो मेरी बहू है। क्या आपकी बहू कैसे हो सकती है? इससे मेरी शादी होने वाली है एक महीने बाद। बेटा और बहू खुद आ रहे हैं, अपनी आंखों से देख लेना। देखो उसे कुछ बताना मत, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं छुप जाता हूँ। ठीक है बेटा। अरे बेटा तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे पापा जी थोड़ी सी तो शॉपिंग करनी थी, और वैसे भी पुनीत को देखो ना, मैंने कहा था थोड़ी सी करनी है, पर इतना सब कुछ दिलवा दिया मुझे। अब मेरे पति भी मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं करूं तो करूं क्या। आ जाओ, थक गए होगे ना, चाय पी लो। आज बेटा थक गए होगे। आ बेटा मारे चाय पानी लाओ। बेटा पापा जी आप क्यों लाएंगे चाय पानी, पहले आप थोड़ी लाते हैं। अरे बेटा क्या हुआ, बना दूंगा था, मेरी बेटी जैसी है। अच्छा पुनीत बेटा अब तुम जरा अंदर जाओ, मैंने बहू से कुछ बात करनी है। पापा ऐसी कौन सी बात करनी है जो मेरे को अंदर भेज रहे हो, मेरे सामने कर लो ना जो भी बात करनी है आपको। अरे क्या, अरे बहू से बात करनी है, क्या बाप बेटी बात नहीं कर सकते क्या? नहीं पापा कर सकते हो, लेकिन अभी हम बाहर से आए थके हुए, थोड़ी देर बात कर लेते या तो। मैंने कहा ना तू जा अंदर। पापा गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अरे गुस्सा कहाँ आ रहा हूँ बेटा, तेरी माँ को लेकर कुछ बात करनी है ना, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। पुनीत एक काम करो ना, टाइम है तो जाकर अंदर कपड़े चेंज कर लो। चलो ठीक है मैं अंदर जाता हूँ, कर लीजिए आप बात जो भी करनी है। ये शादीशुदा है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। जी पापा बोलिए क्या बात करनी है आपको। हाँ भाऊ बैठता हूँ, एक बात बताना, शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था, या कोई अफेयर चल रहा तुम्हारा? नहीं पापा कैसी बातें कर रहे आप, मेरा क्यों कोई बॉयफ्रेंड होगा। अरे बेटा मैं तो इसलिए पूछ रहा था, आजकल का मॉडर्न जमाना है, कोई ना कोई दोस्त तो होता ही है, बॉयफ्रेंड होता है। हाँ ये तो मैं मानता हूँ कि तुम मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हो, तो हो सकता है तुम्हारा भी कोई ऐसा हो बॉयफ्रेंड जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। पापा मैं मानती हूँ आपको मेरी बहुत चिंता है, पर इसका मतलब थोड़ी है कि आप कुछ भी पूछेंगे। आप तो ऐसे माँ के बारे में कुछ बात करने वाले थे, वो बात करिए ना, ये कौन सी बात लेके बैठ गए। बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत तो पहले से सुधर रही है। अच्छा मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ वो बता बेटा, इसमें कोई शर्माने की या घबराने की कोई बात नहीं, अगर कोई है था या कोई ऐसा होगा तो बता दो। पापा देखिए मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए, मैं जा रही हूँ अंदर। बेटा रुको बेटा, तुम्हारे से कुछ और भी बात करनी है, बैठो। हाँ पापा जी बोलिए क्या बात करनी है। हाँ बेटा इस लड़के को तुम जानती हो? ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये कैसे पता चल गया पापा को, अब क्या करूँ। हाँ हाँ ये तो मेरा दूर का भाई है। दूर का भाई है? बेटा आज तक तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई दूर का भाई है। आज तक कभी बात भी तो नहीं हुई इसकी, अगर बात होती तो बताती ना। और आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, और आप इसकी फोटो क्यों दिखा रहे हैं मुझे? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ ये लड़का कैसा लगता है। मुझे कैसा लगता है मतलब, मुझे कोई शादी थोड़ी करनी है इससे। आप बात को समझिए ना, कब से मुझे ऐसे बोले जा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको तो पता नहीं किस बात से शक हो गया। एक मिनट, आपको किसी ने कुछ भड़काया है? अरे बेटा मुझे किसी ने नहीं भड़काया, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो बस। हाँ अच्छा ही है, बचपन में खेला करते थे हम दोनों, भाई जैसा है मेरा। चलो फिर तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस लड़का का रिश्ता हमारी बिटिया पुनीत की छोटी बहन के लिए है। बिल्कुल मत कराना, मतलब इसका नेचर अच्छा नहीं है, ये ना बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाता है और फिर उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देता है। मुझे पता है इसके बारे में, मैं तो जानती हूँ ना बचपन से। अरे ये तुम क्या बोल रही हो बेटा, अभी तो तुम कह रही थी बहुत अच्छा है, दूर का तुम्हारा भाई है, तुम इसकी नेचर जानती हो, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, अब क्या हो गया? हाँ बचपन में अच्छा था ना जब हम खेलते थे, पर मुझे बहुत बातें सुनने को मिली है इसके बारे में, ये ना लड़कियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता, पर हमारी दीदी तो इसके घर में जाकर बिल्कुल खुश नहीं रहेंगी, इसके तो घर वाले भी अच्छे नहीं है, वो तो दीदी को मारेंगे देखना पक्का। अरे बेटा जितना मुझे पता है ये फौजी है और देश की रक्षा कर रहा है, इससे अच्छी बात क्या है? अगर हमारी बेटी के लिए रिश्ता आ रहा है तो इसमें एतराज ही क्या है, हमें मान लेते हैं। हाँ फौजी है तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना देश की रक्षा कर रहा है, पर नेचर का अच्छा नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि नेचर का भी अच्छा हो। मैं बता तो रही हूँ जानती हूँ इसको, ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, इससे तो शादी करवाने के बारे में सोचना भी मत आप। अच्छा तो मैं इतना बुरा हूँ, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता हूँ, मेरे घर वाले मेरी होने वाली बीबी को मारेंगे। कोई बात नहीं बेटा तुझे बाद में बताता हूँ। चलो ठीक है, चलो बेटा तो अपना कपड़े वपड़े चेंज करो, कह रही थी ना अगर बेकार लड़का है तुम बता रही हो, नेचर का अच्छा नहीं है, मारेगा पीटेगा, तो क्या जरूरत है इससे रिश्ता करने की, हमारी बेटी भी दुखी रहे
कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है बेटा, तुमने बता दिया तो अच्छी बात है। जा बेटा, तुम अपना चीज कर लो। प्लीज प्लीज। हाँ क्या हुआ, हो गई बात? अरे क्या हो तुम, बहुत झूठे हो। वो कह रही थी कि मेरे दूर के भाई हैं ये, और तुम क्या बता रहे थे, मेरी से शादी होने वाली है। अरे अंकल जी, मैं झूठा नहीं हूँ, सच में आपकी बहू जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड मतलब क्या है बोलूँ, मेरी शादी तय है उससे, एक महीने बाद शादी होने वाली है हमारी, बोल तो रहा हूँ आपको। अरे अच्छा अच्छा, मेरी बहू झूठ बोल रही है, एक साल से शादी हो रखी है मेरे बेटे से, समझ गया तू? अरे दूर का भाई, वो झूठ बोल रही होगी। आपने देखा नहीं, जब आपने मेरी फोटो दिखाई उसको तो उसके होश उड़ गए थे, उसके चेहरे का तो रंग उड़ गया था, आपने देखा नहीं? अब मेरी समझ में आ रहा है कि मेरी बहू कितनी सुंदर है, इसलिए तुम्हें पसंद आ गई, तो इसलिए अब तुम मेरे बेटे के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचोगे। अरे देखिए, ऐसी कुछ बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद बताता आपको, और वैसे भी आपसे मुझे बहुत लगाव है, इसीलिए आपके पास आ गया फोटो दिखाने, कि आप भी खुश होंगे कि मेरी होने वाली बहू है। लेकिन यहाँ तो कुछ हो रही था, एक साल से कैसे शादीशुदा हो सकती है वो। हाँ याद आया, आपको मैं फोटोज दिखाता हूँ, फिर तो शायद आपको यकीन हो जाएगा। ये देखिए, ये सारी फोटो। हाँ ये फोटो तो मेरी बहू के साथ के हैं, ये कब की फोटो है? ये 3 महीने पुरानी फोटो है, जब मुझसे मिले थी, 3 से 4 महीने पुरानी, जब मैं छुट्टी लेके घर आया था, जब हमारी सगाई हुई थी 4 महीने पहले। और इसने जितना मुझे बताया था कि ये अनाथ है, इसका घर वाला कोई नहीं है, इसके साथ कोई लड़का आया था बस, कि हाँ भाई है, उसने पालन पोषण किया है। मेरी बहू तो तब भी शादीशुदा थी, 3 महीने पहले की बात बता रहे हो, 1 साल हो गए शादी को, क्या तुम सच बोल रहे हो? लेकिन ऐसा कर क्यों रही थी? अब समझ में आया, इसे कोई पैसे वाला चाहिए था। आपका बेटा मुझे यहाँ तक पता है ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, इस वजह से भी शायद हो सकता है। पर वो तो बता रही, तुम दूर के भाई हो, हो सकता है भाई बहन की तरह उसने फोटो ली हो, इसमें क्या है, दिक्कत क्या है? भाई बहन की तरह फोटो कैसे खिंचवा सकती है, आप फोटो देख के पता नहीं चल रहा आपको? पापा ये लड़का कौन है? हाँ पुनीत बेटा, इससे मिलो, ये मेरे दोस्त का बेटा है। नमस्ते भैया। कौन हो भाई तुम? मैं वो इनके दोस्त का बेटा हूँ, वो मेरी शादी है ना अगले महीने, तो इसलिए आया था। अच्छा तुम्हारा रिश्ता हो गया और शादी भी होने वाली है 1 महीने बाद? नहीं तय नहीं है अभी शादी, मतलब एक लड़की पसंद आई है, उसी के बारे में बात करने आया था। अच्छा अच्छा, इसका मतलब अभी रिश्ता तय नहीं हुआ है। वैसे कौन है वो लड़की? बेटा इस लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा है, और देखो दूसरा फौज में है, देश की सेवा कर रहा है, इससे अच्छा रिश्ता हमें कहाँ मिलेगा, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं अगर ऐसा हमें दामाद मिल जाए तो। ठीक है, हाँ मुझे आपकी बहन पसंद है, उससे शादी करना चाहता हूँ मैं, इसलिए पूछने आया था। चलो ये तो अच्छी बात है कि फौज में, लेकिन हाँ एक मेरी लौती बहन है, बड़े लाड़ प्यार से उसे पाला है, ऐसी मैं उसकी शादी किसी से नहीं कराऊंगा, उससे पहले मैं कुछ बात वगैरह करूंगा। हाँ हाँ बेटा, जो कुछ तुम पूछना चाहो पूछो। ठीक है। और भाई कब से पसंद करते हो मेरी बहन को? जी हाँ, मैं तो छुट्टी आया था, फिर अंकल जी का फ़ोन आ गया, कहने लगे कि आके एक बार मिल लो, कुछ बातचीत करनी है शादी से पहले, फिर वही आ गया मैं मिलने, क्या करता, सोचा बात ही कर लेता हूँ, है ना। चलो ये बात तो मेरे को अच्छी लगी कि तुम्हारा बात करने का तरीका अच्छा है, और ये बात भी अच्छी है कि तुम यहाँ पे बात करने खुद आए। ऐसे भी आजकल के लड़के तो तुमने देखे ही होगे कि चुपचाप से चोरी छुपे सब कुछ कर लेते हैं, और घर वालों को कुछ पता ही नहीं होता है, और पापा के दोस्त के बेटे भी हो, ये तो और भी अच्छी बात हुई कि घर वाली बातें अच्छे से एक दूसरे को पहले से जानते भी हैं, और वैसे नेचर में भी तुम मुझे अच्छे ही लगे। वैसे एक बात पूछूं, इससे पहले कोई लड़की पसंद तो नहीं थी, या मेरी बहन पहली है? गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं, नहीं कभी नहीं, और मुझे कभी भी कोई लड़की पसंद नहीं आई, पहले आपकी बहन ही है जो पहले पसंद आई है, और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। अंकल जी कहाँ फंसा दिया, मैं यहाँ पे आपको क्या बताने आया था? अरे फंसा ही रहा, जो मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाओ। अरे ये क्या फुसफुसा रहे हो मेरे पापा के साथ? हाँ कुछ नहीं, वो अंकल जी पूछ रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। अरे अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे से बात कर लो ना, पापा से तो बातें होती रहेगी, और मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन ने, चलो ये बात तो अच्छी हो गई कि मेरी बहन ने खुद से एक लड़का पसंद कर लिया, और वो भी इतना अच्छा फौजी। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना, आजकल लड़कियों के लिए लड़के मिलना कितना मुश्किल होते हैं, ढंग के लड़के कोई मिलते ही नहीं है, और तुम तो नेचर में भी अच्छे हो, और पापा के दोस्त के बेटे भी हो, तो हमारी टेंशन तो कम से कम ये ख़त्म हुई
कि लड़के की जो भी देखने वेखने की थी अब वो खत्म हो गई। वैसे अंकिता भी तुम्हें देखेगी ना जब, तो वो भी बहुत खुश हो जाएगी। अंकिता ये कौन है? अरे मेरी बीवी, अभी एक साल पहले ही तो हमारी शादी हुई है। अरे वाह, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन आपको। हाँ, एक ही लौती बहन है, उसकी शादी की बहुत चिंता थी, अब तुम्हारे आने के बाद वो भी दूर हो गई। जी जी जी, शुक्रिया। चलो ठीक है पापा, आप दोनों बैठ के बातें करिए, मैं कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे अभी तक। जी जी भैया। अंकल जी, मुझे कहाँ फंसा दिया आपने, मैं यहाँ पे आपको सच्चाई बताने आया था और आपने रिश्ता तक करवा रहे अपनी बेटी से, ये चल क्या रहा है? देखो बेटा, तुम चुप रहो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, मुझे सच्चाई जाननी है बस। अरे सच्चाई जाननी थी तो बहुत सारे तरीके हैं, ये कोई तरीका है? वो तो आपके बेटे को ये लग रहा होगा कि मैं सच में आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, उसके दिल पे ठेस पहुंचेगी, उसको पता चलेगी सच्चाई, तो पहले बेचारे पे क्या बीतेगी अगर उससे पता चलेगा कि उसकी बीबी जो कि मुझसे शादी करने वाली है एक महीने बाद, ये चल क्या रहा है इस घर में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, मुझे सच्चाई जाननी है, पहले भी मेरा दिमाग घुमा हुआ है, मैं अपने तरीके से सब सच्चाई जान लूंगा। ये क्या कर रहे हैं, कौन है पापा ये? अरे बेटा नमस्ते बोलो भाभी को, मेरे बड़े बेटे की बहू है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, बैठिए। वो ये, अरे बहू तो अकला कर रही है, तू तो अभी कह रहे थे मेरे गांव का भाई है। मैं आपका भाई हूँ गांव का? वो मेरे दूर का भाई ना, आप ही की तरह दिखता है और वो भी फौज में ही है, तो मुझे लगा तुम वो हो। अच्छा, आपका भाई मेरी तरह दिखता है, क्या बात है, अजीब कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है ये। हाँ वैसे इत्तेफाक से याद आया, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मेरी शादी होने वाली थी अगले महीने, वो भी आपकी तरह दिखती है, सेम टू सेम। अरे वाह, मुबारक हो तुम्हें, क्या मेरी तरह दिखती है वो? अरे सिर्फ ये शक्ल में इत्तेफाक नहीं हुआ, नाम भी इत्तेफाक से सेम है, अंकिता नाम है उसका, और आपके जैसी हाइट है और आपके जैसे दिखती है पूरी। अच्छा देखो ना कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, मेरा तुम्हारी तरह भाई है और तुम्हारी मेरी तरह गर्लफ्रेंड है। अरे वाह क्या बात है, आप मेरी गर्लफ्रेंड की तरह दिखती हो और मैं आपके भाई की तरह दिखती हूँ, ये सही है ना? क्या बात है, इत्तेफाक पे इत्तेफाक होते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो समझिए कि ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसका नाम भी अंकिता और इनका नाम भी अंकिता है, अब सात लोग सेम तो हो सकते हैं लेकिन नाम भी सेम है, ये भी इत्तेफाक है। एक सेकेंड, आप अपना हाथ दिखाइए। नहीं नहीं ऐसा, हाथ तो दिखाइए एक सेकेंड, हाथ दिखाइए। अरे ये तो वही अंगूठी है जो मैंने उसको दी थी अंकिता को, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो हम शक्ल है इसकी। ये रिंग तो मैं थोड़े टाइम पहले लेकर आई हूँ। अरे वाह क्या बात है, इत्तेफाक पे इत्तेफाक हो रहा है, शक्ल सेम, नाम सेम, अंगूठी भी सेम। बहू अब बताओ तुम, ये दामाद कैसा रहेगा? पापा जी जैसी आपकी मर्जी, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? देखो बेटा, जैसे तुमने हमारे घर को बांध के रखा है, खुश रखा है, देखो हमारी बेटी भी इनके साथ रहेगी, खुश रहेगी। मुझे क्या पता, मैं तो जानती भी नहीं हूँ ना, अगर मैंने बात की होती तो पता होता कैसे लड़कियाँ। क्यों अंकिता, बॉयफ्रेंड है ना ये तुम्हारा? क्या बोल रहे हो पुनीत तुम? रहने दो, अब झूठ बोलने की कोशिश मत करो, अच्छे से जानता हूँ मैं कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कोई भाई भाई नहीं है। बेवकूफ समझा था मैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, शायद तुम भूल रही हो कि मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, और ये जो कुछ भी तुम कर रही थी ना, एक नाटक था ना, ताकि हम लोगों को कुछ पता ही ना चले, लेकिन शायद तुम्हें खुद को नहीं पता कि जो कुछ भी चल रहा था ये सब हमारा किया हुआ था, ताकि हम तुम्हारे मुँह से सारी सच्चाई निकलवा सके। अरे किस चीज़ की कमी छोड़ी थी, तुमसे प्यार करता था इतना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बाहर मुंह मारना था ना, और वो तो शुक्र है कि जिससे तुम ये सब करने जा रही थी और कोई नहीं, मेरा दोस्त निकला और इसने सही टाइम पर आकर मेरे को बता दिया, और इससे इसकी तो ज़िंदगी बची, साथ में मेरी भी बच गई। अरे मैं तो शादीशुदा था, फिर दूसरे का घर क्यों खराब करने पर तुली हुई थी, मेरे से खुश नहीं थी क्या? घर में सब चीज़ थी तेरे पास, पैसा, गाड़ी, पापा, मैं, और क्या चाहिए था? जी हाँ अंकिता जी, सही बोल रहे हैं आपके पति, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरे दोस्त भी हैं पहले से। हाँ आपकी शादी में मैं आ नहीं पाया था क्योंकि मैं उस वक्त बॉर्डर में था,
और मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, और फिर पता चला था कि हाँ पुनीत की बीवी बहुत अच्छी है, और फिर हमारी सगाई हो गई, और फिर हमारी सगाई हो गई, और कुछ दिन पहले जब मैं फौज से छुट्टी आया था ना, तब सबसे पहले पुनीत के ऑफिस गया था और इसे फोटो दिखाई कि देख तेरी होने वाली भाभी, तब कहने लगा कि होने वाली भाभी नहीं, ये तो हो चुकी भाभी है। मैंने बोला मतलब? कहने लगा ये तो मेरी बीवी है और एक साल हो गए शादी को। तब तेरा कच्चा चिट्ठा सब निकाला, तब पता चला कि मेरे अलावा और भी पटा रखे हैं, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। चुप, उन्हें पैसों के लिए खुश नहीं रख पा रहा था तुझे, जितने पैसे दे रहा था उसमें क्या सर्कल नहीं चलता, सब ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी। अरे एक साथ दो दो तीन तीन घर बर्बाद कर रही है तो चल कोई बात नहीं, मेरी तो तेरे से शादी नहीं हुई थी, वो तो अच्छा हो भगवान का कि पहले आंखें खुल गई। और एक साल से जिसके साथ तू शादीशुदा, सोच उस पर क्या बीती होगी वो फोटो देखने के बाद। बेचारा रोने पे आ गया था, रो रहा था, मैंने कहा नहीं चिंता मत कर, इसकी सच्चाई बाहर जरूर आएगी। और फिर मैंने ये प्लान बनाया, फिर अंकल जी से बात की और अंकल जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा तुम्हें काम करो घर आओ उसके बाद बात करते हैं। और आज तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ गई। तो बचने के लिए क्या कह रही हूँ कि मेरा भाई तुम्हारी तरह दिखता है, और हाँ नाम भी सेम है, अंगूठी भी सेम है। अंकिता इतने सारे ना इत्तेफाक नहीं होते, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और यहाँ तुम वही बोल रही थी। तुम जैसी लड़कियाँ घर बर्बाद कर देती हो, किस्मत खराब थी शायद मेरे दोस्त की, न तो उससे शादी हुई, पर हाँ मैं तो बच गया। पापा मुझे माफ कर दीजिए। बस अब गंदी जुबान से पापा मत कहना, अरे तूने तो मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी, अब किसी और की जिंदगी खराब करने जा रही थी। ठीक है तुम्हें कल तक डिवोर्स मिल जाएगा, चले जाओ मेरी आंखों से दूर हो जाओ। छी बेटा अच्छा हुआ तुम्हारी जिंदगी बच गई। तो यार शेयर का बटन वीडियो कल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर कर बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज कर दो यार, लव यू ऑल।